हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं फॉर्म सीरीज का 45वां प्रश्न। और आज का जो प्रश्न है कि व्हाट इज द मीन ऑफ कमीशनिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप की कमीशनिंग से क्या मतलब है और सेंट्रीफ्यूगल पंप की कमीशनिंग कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कमीशनिंग के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। कमीशनिंग वो प्रोसेस वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम किसी भी नए इक्विपमेंट को प्रोसेस में शामिल करते हैं। यानी कि जैसे आपको पंप की एक एक्स्ट्रा पंप की रिक्वायरमेंट थी, पंप आ गया, लग गया, सब कुछ हो गया, रेडी रेडी हो गया, अब उसे आप जो है लाइन में लोगे, तो ये जो है जो लाइन में लेने की प्रोसेस प्रक्रिया है उसे कमीशनिंग कहेंगे। कमीशनिंग में हमारा कोई भी नया डॉक्यूमेंट लाइन में आ जाता है या उससे उसमें प्रोसेस हम करना शुरू कर देते हैं। जैसे रिएक्टर की प्रोसेस रिएक्टर की कमीशनिंग की बात करें तो रिएक्टर की कमीशनिंग का मतलब कि रिएक्टर में अब रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे, फ्लूड वगैरह डाल के जो भी है रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। वैसे पंप की कमीशनिंग की बात करें तो पंप की कमीशनिंग का मतलब कि पंप को अब जस्ट चलाने वाले हैं, जस्ट रेडी टू स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये कमीशनिंग कहलाती है। दोस्तों थोड़ा सा प्रोजेक्ट का आइडिया मैं आपको बता दूँ कि कोई भी इक्विपमेंट लगता है, नया कोई भी इक्विपमेंट लगता है तो उसमें 5 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर हम पंप के सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें तो अगर हमें सेंट्रीफ्यूगल पंप को लगाना है तो सबसे पहले हमारा जो डिपार्टमेंट आएगा वो सिविल डिपार्टमेंट आएगा। सिविल डिपार्टमेंट का काम क्या रहेगा दोस्तों, वो स्ट्रक्चर या फाउंडेशन तैयार करेगा जहाँ पे हमें पंप को रखना है। सेंट्रीफ्यूगल पंप को हमें लगाना है, हमने वेंडर को ऑर्डर दे दिया, वेंडर ने पंप हमें सप्लाई की, तो सबसे पहला जो काम होगा वो सिविल का काम होगा। सिविल जो है फाउंडेशन स्ट्रक्चर तैयार करेगा। उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट हमारा मैकेनिकल का होगा। मैकेनिकल का डिपार्टमेंट उस पंप में जितने भी अलाइनमेंट है, बेयरिंग है, सील है या मोटर शाफ्ट है, तो इन सभी मैकेनिकल जो इक्विपमेंट है पंप के साथ साथ पाइप है, पाइप लाइन है, तो इन सब का वाल है, इन सबको वो अलाइनमेंट करेगा, इन सबको एक एक वे में लगाएगा। तो सिविल का काम हो गया, मैकेनिकल का काम हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिकल भी इन्वॉल्व होता है। इलेक्ट्रिकल का काम क्या होता है दोस्तों, वो मोटर से रिलेटेड, यानी कि वो मोटर में जो है इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई देगा। उसके बाद वो अर्थिंग, बॉन्डिंग या ग्राउंडिंग, ये सारी चीज़ें मोटर और पंप में लगाएगा, ये इलेक्ट्रिकल का काम है। उसके बाद हमारा आता है हमारा दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट। इंस्ट्रूमेंट जो है डिपार्टमेंट वो जो है पंप से रिलेटेड, अगर पंप का अलार्म देना है या पंप के जो डिस्चार्ज लाइन में कंट्रोल वाल लगाना है या फ्लो ट्रांसमीटर लगाना है या प्रेशर गेज लगाना है या कुछ भी लगाना है इंस्ट्रूमेंट से संबंधित, तो वो लगा लेगा। पांचवा जो डिपार्टमेंट जो प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है वो होता है सेफ्टी डिपार्टमेंट। सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है वो अपनी तरह से वो पूरा ओवरव्यू उससे देखेगा, उसका PSSR करेगा और हेजोब वगैरह वो सब मैं नेक्स्ट जब बताऊंगा, तो हेजोब क्या होता है, PSSR क्या होता है या बहुत सारी सेफ्टी जो है प्रोसेस होती हैं उसके बारे में मैं बता दूंगा। यानी कि सेफ्टी डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होगा, वो वहाँ पे सेफ्टी की जो जो भी अगर हमारे छूट गई है तो उसे वो मॉनिटर करके वो लगाएगा। तो दोस्तों ये सारे जो डिपार्टमेंट हैं, अब कमीशनिंग के दौरान ये क्या करेंगे, वो अपना अपनी तरफ से हैंडओवर कर देंगे कि हाँ हमारी तरफ से पंप में जो जो वो थी हमारी नीड थी वो हमने पूरी कर दी, अब आप पंप को चला सकते हो। जैसे मैकेनिकल वाला बोल देगा कि हमने अलाइनमेंट कर दिया, सब लाइन वगैरह सब ओके, आप पंप चला सकते हो। इलेक्ट्रिकल वाला कह देगा कि हाँ हमने मोटर में इलेक्ट्रिक पावर दे दी, अर्थिंग बॉन्डिंग सब कर दी, अब आप पंप को चला सकते हो। इंस्ट्रूमेंटेशन वाला भी दे देगा अपना क्लियरेंस कि हाँ आप पंप को चला सकते हो, हमने सारे जो है पैरामीटर जैसे टेम्परेचर, प्रेशर गेज वगैरह सब कुछ लगा के ओके कर दिया। सिविल वाला भी कह देगा कि हाँ हमने सारे फाउंडेशन स्ट्रक्चर जो भी थी वो सब कंप्लीट कर दिया। सेफ्टी वाला भी कह देगा कि हाँ कोई सेफ्टी व्यू से कोई वो गलती नहीं है, आप चला सकते हो। तो जब ये पांचों डिपार्टमेंट हैंडओवर कर देंगे प्रोसेस को कि हाँ अब आपके
पंप की जो है क्लियरेंस हम लोग दे दिए, अब आप चलाइए। तो वो जब तो अब हम प्रोसेस वाले जो होते हैं, प्रोसेस वाले जो पंप को चलाते हैं उस वो प्रोसेस डिपार्टमेंट में आते हैं, तो वो उस पंप को चलाएंगे। तो उस पंप को चलाने से पहले प्रोसेस का क्या रोल है, प्रोसेस का जो इंजीनियर है, चाहे वो ऑपरेटर हो, फील्ड ऑपरेटर हो, चाहे पैनल ऑपरेटर हो, चाहे कोई भी हो जो प्रोसेस से रिलेटेड इंजीनियर है, तो उसका क्या रोल होता है कमीशनिंग में, वो मैं इसमें बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले अगर आप कमीशनिंग कर रहे हो प्रोसेस साइड से, अगर कमीशनिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो पंप लगा है, पंप और मोटर लगा है, उस पर नेम प्लेट है और उसका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे, उसके बाद चेक करोगे कि जो पंप और मोटर का जो एलिवेशन है या स्लोप है या लेवल है, ग्राउंड लेवल, वो ओके है कि नहीं। ऐसा ना हो कि मोटर का अलाइनमेंट शाफ्ट के साथ साथ टेढ़ा मेढ़ा हो, तो आप एलिवेशन, स्लोप और लेवल ये चेक करोगे। उसके बाद क्या चेक करोगे दोस्तों, पंप इज बोल्टेड डाउन एंड एप्रोप्रिएट फाउंडेशन फिटेड, यानी कि जो पंप है या मोटर है वो जो है फाउंडेशन के साथ नट बोल्ट के साथ जुड़े होने चाहिए। आप देखे होंगे जहाँ पे पंप रखा जाता है तो वो फाउंडेशन से जो नट बोल्ट हो, फाउंडेशन और जो पंप इक्विपमेंट है वहाँ पे एक स्ट्रिप टाइप की होती है, तो उससे वो नट बोल्ट से पूरा कसे होते हैं, तो वो जुड़े होने चाहिए। ये प्रोसेस वाले का काम है। उसके बाद प्रोसेस वाला क्या ध्यान देगा कि पंप इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल अलाइनमेंट कंप्लीट, जो पंप है पंप पूरी तरह से मैकेनिकल की तरफ से या इलेक्ट्रिकल के तरफ से पूरा अलाइनमेंट इसका कंप्लीट हो चुका है, यानी कि लग चुका है। फिर जो है अपना ऑयल कप में लेवल देख लेंगे, 50 से 70% रहना चाहिए। अर्थिंग, अर्थिंग जो होती है, अर्थिंग बॉन्डिंग और ग्राउंडिंग, ये जो तीन चीज जो है वो जो है आकाशीय बिजली से बचाने के लिए किसी भी इक्विपमेंट को लगाते हैं। इसमें मुख्यतः एक कॉपर की वो पतली सी प्लेट होती है जिसका कनेक्शन ग्राउंड से होता है, तो कोई भी अगर आकाशीय बिजली गिरती है किसी भी इक्विपमेंट पर गिरती है, तो वो उस कॉपर के सहायता से आयनाइजेशन उसका हो जाएगा और वो जो भी है बिजली है वो अर्थ में चली जाती है और हमारा इक्विपमेंट जो है डैमेज होने से बच जाता है। आकाशीय बिजली से बचाने के लिए हम जो है अर्थिंग बॉन्डिंग या ग्राउंडिंग का यूज करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो इक्विपमेंट है उसकी अर्थिंग बॉन्डिंग ग्राउंडिंग हो चुकी है कि नहीं। उसके बाद इतनी सारी चीजें हम देख लेंगे, उसके बाद हम मोटर का ट्रायल लेंगे, जो हम मोटर लगा है उसकी ट्रायल लेंगे। मोटर के ट्रायल कैसे लेंगे दोस्तों, सबसे पहले मोटर को चलाएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जाइज तो होता ही है, मोटर को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि मोटर का स्टार्ट होने का जो इंडिकेशन है, चेक डीसीएस रन इंडिकेशन, जो मोटर के चलने का जो इंडिकेशन है क्या वो डीसीएस पे दिखा रहा है कि नहीं, ये इंश्योर करेंगे। उसके बाद मोटर जो चला उसका एम्पियर कितना है, वो फुल लोड एम्पियर और जो ऑपरेटिंग और एम्पियर जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद चेक एबनॉर्मल साउंड एंड वाइब्रेशन। अब मोटर का ट्रायल ले रहे हैं तो मोटर के एम्पियर, मोटर के वाइब्रेशन, वो मोटर के नॉइस और मोटर का रनिंग इंडिकेशन, ये सब चारों चीजें मोटर की जब ट्रायल लेंगे उसी समय चेक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये मोटर की ट्रायल हो गई, अब हम क्या करेंगे कि चेक पंप कपलिंग इज डन एंड कपलिंग गार्ड फिक्स प्रॉपरली, जो कपलिंग है जो मोटर के शाफ्ट और पंप की जो शाफ्ट है उनको जो कपल कर रहा है, तो कपलिंग गार्ड भी वहाँ पे रहना चाहिए, और अगर कपलिंग गार्ड है भी तो उसे भी वो फिक्स पोजीशन में होनी चाहिए, तो वो चेक कर लेंगे। उसके बाद ऑल कनेक्टिंग पाइप आर प्रेशर टेस्टेड एंड क्लीन एंड फ्लश, जितनी भी पंप की जो डिस्चार्ज लाइन हो या सक्शन लाइन हो, कोई भी लाइन हो, वो पूरी की पूरी तरह से उसका लीकेज टेस्ट, प्रेशर टेस्ट होने चाहिए या और लीकेज टेस्ट होना चाहिए, और वो जो है वो
फ्लश होनी चाहिए, वो लाइन पूरी फ्लश होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि लाइन में कचरा हो या कुछ और डर्ट मटेरियल हो, और क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले लाइन का हम प्रेशर टेस्ट ले लेंगे, लाइन को फ्लश कर लेंगे और लाइन क्लीन कर लेंगे। उसके बाद आल इंस्ट्रूमेंट आर इंस्टॉल एंड हेल्दी कंडीशन, जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारा इंस्टॉल है वो हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए, चाहे प्रेशर गेज हो, चाहे टेम्परेचर गेज हो, चाहे कोई कंट्रोल वाल्व हो, अगर लगा है तो वो सारे हेल्दी कंडीशन में होने चाहिए। उसके बाद चेक करेंगे कि सील्फ, चेक फॉर सील फ्लशिंग इट्स आल्सो शुड बी हेल्दी कंडीशन। जो सील फ्लशिंग का जो लाइन है वो भी, सील फ्लशिंग का जो अरेंजमेंट है वो भी हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए, ऐसा ना हो कि पंप में सील फ्लशिंग का कोई और कोई अलग से अरेंजमेंट ही ना हो। उसके बाद इतना सब कुछ हो जाए, उसके बाद स्टार्ट द पंप अकॉर्डिंग टू एसओपी, जो अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडर है उसके अकॉर्डिंग हम पंप को स्टार्ट करेंगे। इतना सब कुछ देखने के बाद पंप, पहले तो मोटर को स्टार्ट करके पूरा ट्रायल वगैरह ले लिया, अब पंप को स्टार्ट करेंगे, पूरे पंप को स्टार्ट करेंगे। और जब पंप को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने की जो प्रोसेस है कि सक्शन लाइन खोल दो, उसके बाद सारे वेंट और ड्रेन वाल्व बंद रहने चाहिए, सक्शन वाल्व खोल दो, उसके बाद पंप को चलाएंगे। और उस कंडीशन में सबसे पहले जो पंप को चलाएंगे तो उस कंडीशन में हमारा डिलीवरी वाल्व जो डिस्चार्ज वाल्व है वो बंद कंडीशन में होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि पंप की जो ट्रायल है वो दो स्टेप में लेंगे, एक लोड ट्रायल होता है और एक नो लोड ट्रायल। नो लोड ट्रायल और लोड ट्रायल, ये दो टाइप के ट्रायल होते हैं जब हम पंप की ट्रायल लेते हैं, और इसी तरह मोटर की भी ट्रायल लेते हैं, तो एक लोड ट्रायल लेते हैं और एक नो लोड ट्रायल होते हैं। तो दोस्तों नो लोड ट्रायल क्या होता है पंप पंप के केस में? नो लोड ट्रायल का मतलब होता है कि आपने बस सक्शन वाल्व खोला है, डिस्चार्ज वाल्व बंद किया है, कोई डिलीवरी नहीं हो रही है। जब डिलीवरी को विदाउट एनी डिलीवरी अगर हम पंप को चला के उसका प्रेशर, उसका एम्पियर और उसका प्रेशर और एम्पियर देखते हैं, तो चेक करते हैं, तो वो नो लोड होता है। और वहीं जब वो लोड पे लेके, यानी कि जैसे डिस्चार्ज वाल्व पूरा खोल दिया और जितनी हाइट तक हमें लिक्विड को भेजना है वो भेज रहे हैं, यानी कि फुल लोड पे जिस जो एम्पियर और जो फ्लो और जो प्रेशर होता है तो वो लोड ट्रायल होता है। तो सबसे पहले हम नो लोड ट्रायल लेंगे, यानी कि पंप को बिना बिना लोड के ही चलाएंगे और उस पर देख लेंगे कितना एम्पियर आ रहा है, कितना पंप का प्रेशर आ रहा है। उसके बाद लोड ट्रायल लेंगे, लोड ट्रायल में हम डिस्चार्ज वाल्व खोल देंगे और फुल लोड दे के नॉर्मली, जैसे सिंपल, जैसे अदर अदर टाइप, जैसे नॉर्मल पंप चलाते हैं वैसे एकदम इजीली नॉर्मली चलाएंगे, और उस कंडीशन में कितना उसका प्रेशर आ रहा है, फ्लो आ रहा है और एम्पियर आ रहा है वो चेक कर लेंगे। इसी तरह मोटर को भी नो लोड ट्रायल लेंगे, उसके बाद लोड ट्रायल लेंगे, नो लोड पे उसका एम्पियर चेक कर लेंगे, उसकी वाइब्रेशन चेक कर लेंगे, उसकी नॉइस चेक कर लेंगे, उसके बाद लोड ट्रायल लेंगे। लोड ट्रायल में पंप को लाइन में पूरा लेके मोटर का भी एम्पियर, उसका वाइब्रेशन और नॉइस वगैरह वो भी चेक कर लेंगे। तो ये, और फाइनली जो है अगर हमें ओके लगा सब कुछ तो हम भी हैंडओवर, जो अपनी हैंडओवर कर रहे हैं उसे लाइन में हम ले सकते हैं, हमारी जो कमीशनिंग डन हो गई, हमारी कमीशनिंग ओके हो गई। तो ये है कुछ पॉइंट जो जो हम किसी भी पंप की कमीशनिंग करते हैं, तो किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप की कमीशनिंग करते हैं तो उस समय हम ध्यान में रखते हैं। और आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।